दुनिया के उत्ते की रह गया है ओ कर गया फलां कर गया चमका कर गया मगरों यही हुंदा है तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। अब बस असि यह नहीं सोचने ना कि असि की करने पे साडा अपना की किरदार है समाशरे दे फरोल दे। जी जी बस ऐसा ही है ना जी कि जिस तरह अभी किसी वाले उंगल कर रहे हैं ना जी 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 कि वो तू उंगल कर रहे हैं ना ये अगर ख्याल करे इंसान के तीन उंगलियां अपने वाले वाल हो रही ने दरुस्त एक अगर अगे जाती पी है तो तीन अपने वाले हो गए पहले अपने वाल झाती मार लवे जिस तरह मीर मोहम्मद बख्श सरकार ने फरमाया ना कि बुरे बंदे मैं ढूंढन चलिया बुरा लभा ना कोई जद मैं अंदर झाती मारी मैथों बुरा ना कोई। वाह 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 रहमत वल्ले बल्ले 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 रहमत है ना जी बरकरार ने साडे ही पल्ले कुछ नहीं करे ते थर थर कंबण उचिया शाना वाले फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। मियां जी सरकार गल ये है कि इंसान अगर अच्छी सोबत बैठन लग पे तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये चुगलियां करने की सानू लोड़ नहीं पेगी। बिल्कुल सही अच्छी गल्ला सोचन रखांगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब बहुत खूबसूरत आई तुसी गल कीती है नेक्स्ट मंडे नवे प्रोग्राम च भी असीं तुहाडा इंतजार करांगे ते जरूर शामिल होना इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया सर ते लो जी अपना मदर चीमा साहब कैसिया प्यारियां गल्लां करके गए ने खालिद साहब हैं बहुत सब जबरदस्त हां जी ते ओ सोहरे जवाई दी भी उन्होंने सर ताडी गल दा जवाब दे गए ने कि ओ बड़े मासूम लोग हुंदे नहीं ओ ते वैसे मासूम नहीं ने गल ते उन्होंने गल बिल्कुल ठीक है मासूम ते होने क्योंकि ज्यादातर ये वे के ओ सोहरे नु भी डर हुंदा है ओ अपनी वाइफ दा ते जवाई नु भी अपनी वाइफ दा डर हुंदा है ते दोए फिर लेकिन मैं समझना उन्हां दी गल दे विच जेड़ा ना हाईलाइट जेड़ी थी जी या जिन्हू कहने सी के हासले महफल जड़ी गल सी जी ओ सी के अच्छी महफल बड़ा फर्क है कि तुसी केड़ी महफल च बैठ दे ठीक है जिस तरह दी महफल च बैठोगे उस तरह दी तुहाडी तरबियत होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही डेफिनेटली ये गल हुंदी है ते जड़ी उन्होंने नमाज दी गल कीती है मैं समझना इहदे तों ते अच्छी गल हो ही कोई नहीं सकदी कि नमाज हर बुराई से रोकती है। बिल्कुल ते रबिया बसरी नू अपना मैनू वाकया याद आंदा है कि एक हाथ से उन्होंने पानी का लोटा तो दूसरे चग फड़ी तो आप होनी दौड़े जा रहे हैं वो किसी ने पूछे कि बीबी होनी बड़े गुस्से च किधर जा रहे हैं तो उन्होंने कहा जी हाथ पानी तुसी फड़े है तो रग फड़ी ये की करू उन्होंने कहा इस पानी के नाल मैं दोजख की अग बुझा जा रही है जिन्होंने लोगों को डराया है और इस जी अग है इस मैं उस जन्नत को साड़न जा रही है जिदी लालच के लोग जड़े ना अपने आप को भुले पे ने कि नमाज पढ़नी है ना दोजख का डर होवे तुहाडे दिल च ना जन्नत का लालच होवे नमाज वो होंदी जिहड़ी सिर्फ सजदा ही वह कबूल है ना जिहड़ा सिर्फ और सिर्फ रब की जात लई कीता जा रहा है। इहदे इलावा अगर तुहाडे ज़हन च होवे कि मैनूं जन्नत लभेगी तो मैं नमाज पढ़ रहा या मैनूं दोजख साड़ देगी मैं नमाज पढ़ रहा नहीं इहदे तों भी रोकिया गया है कि सिर्फ अल्लाह की जात लई इबादत करो क्योंकि इबादत है ही उहदे लई। बिल्कुल बिल्कुल मकसद का मकसद कोई दिल विच रख के ना ते के लालच रख के तुसी करोगे ना वो काम पूरा नहीं होएगा कोई भी नहीं होएगा डेफिनेटली ये पक्की गल है जिहड़ा मकसद मेन मकसद साडा ये होंदा है कि इबादत अल्लाह दी करिए ना कि असी इस हासे कर रहे हैं कि गल तुहाडी ठीक है कि सानू जन्नत मिलेगी सानू ऐ मिलेगा ऐ मिलेगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਮਦਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਦਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਚ ਬਣੀ ਪਟਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਡੀਐਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਰਸ਼ੀ ਜੀ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ ਉਸਨੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਐਵੇਂ ਰੁਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਜੀ 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 ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੁਸੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਉਸਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਦੇਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪੋਂਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
पसंदीदा रोल किस किस्म का? मैं ज्यादा गाने ना, मैनू ज्यादा। अच्छा, गाना पिक्चराइज करांदा ये? अच्छा, पाकिस्तान दे साडे इक एक्टर हुंदे सन अपना वहीद मुराद, वहीद मुराद उन्हां नूं शहनशाह रोमांस किया जांदा सी, उहदी गाना बहुत खूबसूरत पिक्चराइज करांदा सी, ते जज़्बाती सीन वी कर लैंदे हो, कोई रोण दा आवाज़ रोण दा जी। मैं इक ड्रामा, मेरा अज से कुछ 26-27 साल पहले एक मैं ड्रामा बनाया, उसमें मैं खुद रोन ना पार्ट किया, उसके बाद भी ना ग्लैसरीन भी ला देने। नहीं नहीं, मैं सही सही असल आंसू का सही सीरियस। वो किस तरह कटे ने? बस हो गया जी, मैनू जज्बात में आ गया। अच्छा जी, कोई कदा डायलॉग याद है सुनाओगे कोई? आई जी उसने जो जी मैं जाना मेरे साहब होने जी उन्होंने नौकरी लेने से। अच्छा जी, तो मैं जद जा उत जी तो कहने जी अच्छा जी अगले महीने, उसने अगले महीने उठे, मैं कहना सर तुस कुछ माड़े तो रहम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किड़े पास गया सा जी। तो कहना अच्छा ठीक है तुस ऐसा करे कि जावेद साहब नू मैं फोन करना, वो तुहानू नौकरी दे दे सी। अच्छा ठीक, मैं कह जी शुक्रिया। अच्छा मेरे जाती तौर पर आंसू ही निकते जी, खैर इस वक्त नहीं है, उस जाती तौर पर हालात वारत कर लेना, बिल्कुल मेरे जहन में आ गई पीछे कितनी जरूरत ने, अगर मैं नौकरी ना मिली तो की बनेगा। उस वक्त मैं 2000 रुपए की नौकरी मिली। अच्छा ना, ये वो फिल्म दे विच या ड्रामा सा? अच्छा वो ड्रामे दे विच जी। वैसे मैं कहा शायद को नहीं। अच्छा 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 जी, उसके बाद एक थोड़े ना किताब में तुझे सलाम और लोगों ने बड़ा पसंद किया। डॉक्टर से जी माशाल्लाह जबरदस्त। हां जी ना, वो बड़ी पजीर आई सानू, ईमेल आए ने, फोन कॉल, लोगों ने बहुत उन्हें पसंद किया। थोड़े टाइम से बहुत अच्छा जी जी जी, थोड़ा टाइम सा तुम्हें पता मेरे को टाइम नहीं सा, मैं ज्यादा है जी जी जी, सिस्टम मेरा सा। हां जी, अच्छा छीमा साहब जी जी, कुछ थोड़ी जी मैं भी चीज सुनी कि तुसा कोई आवाजा शाजा भी कट दें हो, एक दूसरे तरीके कुछ थोड़ा जा कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, असला के आए हो सा आवाजा तो ना बुलाया सा की तो आवाजा तो सुन कट सकनी हो जी। मैं भी नहीं नहीं, पर ये ना दी ते अपनी आवाज नहीं चलाई सारी गल है, ते तुसा कोई कम से कम कोई चीज सुनाओ ना। नहीं वो तो गल तू सही के मैनु आवाज हर किस्म ने मैं कड़ी सकना जी, राजे मुंशीर पुराम तो देखा उसी पास सुनिया उसी जमूर की आवाज। हाँ हाँ जी, उस वक्त ना मैं बड़ा इस चीज का शौकी सा जी, राजा मुंशीर पुराम तखना और सा सुनना और सा, ते उस वक्त मैं 1971-72 जी मैं एक रिकॉर्डिंग की थी उन्होंने, इस वक्त मेरे को मौजूद है। चुगलियां करते रहे वैसे चीमा साहब, तुसी भी कदी चुगली एवं कीती कदी कोई दिल कीता होवे? जरूरत नहीं पई जी चुगली करने नहीं, क्यों कुछ आपने नेकियां किसे नु दियां में? अच्छा जी, नेकी अरबन साहब नेकी ने मूल है ही कोड़ी जी। नहीं। मैं एक छोटे जी मतलब करके मैं अपनी नेकी किसी नु दे दिया, जरूरत नहीं है जी, बचना चाहिए, बचना चाहिए जी। कोई बंदा सानू ये ना कहे भाई तू सारी चुप, क्योंकि पिछले पिछले प्रोग्राम च इमरान साहब ने कहा कि सम टाइम मेरे पेट च मरोड़ उठन शुरू हो जाते हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं जाके ना कोई चुगली ऐसी करा, फिर मेरी तसली होंगी, फिर मैं रोटी हजम होंगी है। तो इस तरह पूछने के हूं इस वीक इन्होंने केड़ी केड़ी चुगली की? नहीं नहीं, मैं असल चुगली कोई नहीं की, असल एक और ये कि चुगली करने ना लिए कोई भी खराबी होंगी। देखो ए चीमा साहब एक गल कही सी कि अपनिया नेकियां क्यों किसी नू देईए? देखो खाली चुगली करने नाल किसी का घर तो तबाह होंदा ही होंदा है, लेकिन तुसी अपनिया नेकियां भी जाया करते हो जिहड़ियां बनाना बड़ा मुश्किल काम होंदा है। नेकी चलो छोटे काम च भी नेकी मिलती है, वड्डे काम च नेकी मिलती है। अच्छा वैसे मैं ना इस बारे थोड़ा जिहा समझना जी कि सानू यह सोचना नहीं चाहिए कि असी ये नेकी करने पे हैं, या कि इंसान नू पता है, इतनी समझ है सानू, शऊर है इंसान नू कि अच्छाई की है बुराई की है, नेकी की है बदी की है, ये इंसान नू समझ है, ते वो जिस अमल दे नाल दूसरे का भला होवे
मेरे ख्याल इंसान नू करदे ही रहना चाहिए। ठीक है, ये अल्लाह का काम है ना।